हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आज हम बात करने वाले हैं क्या एग्जाम सिटी चेंज होने वाली है। ठीक है, एग्जाम सिटी आप सभी को अलॉट करी गई थी जो है एडवांस इंटीमिडेशन के द्वारा, लेकिन क्या वो एडवांस इंटीमिडेशन अब भी अपहोल्ड करेगा, क्योंकि जो सीएसआर नेट का एग्जाम था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी ने इस नोटिफिकेशन को देखा होगा, इस नोटिफिकेशन में आप सभी देख रहे हो कि यहाँ पर जॉइंट सीएसआर का जो एग्जाम है वो अब 25 से 27 जुलाई के बीच में कर दिया गया है। पहले जो इसकी डेट थी बच्चों वो 25 से 27 जून के बीच में थी, अब इसे चेंज करके 25 से 27 जून को छोड़कर जुलाई के बीच में कर दिया गया है। एग्जैक्टली 1 मंथ इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो सवाल सभी बच्चों के आते हैं कि क्या सर जो एग्जाम सिटी है वो चेंज होने वाली है कि नहीं होने वाली है। बच्चों मैं आपको बता दूं, जो एग्जाम सिटी है उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आपका जो फॉर एग्जांपल अगर आपका सिटी जो है वो जयपुर है तो वो जयपुर ही रहने वाली है, और अगर आपकी सिटी जोधपुर है तो वो जोधपुर ही रहने वाली है। एग्जाम सिटी में ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम सिटी जो भी आपने सेलेक्ट करी है उसके जो है प्रेफरेंस के आधार पर दी जानी है, और उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आने हैं। ऐसा हो सकता है कि उस एग्जाम सिटी के विद इन सेंटर जो पहले आपको अलॉट था, हो सकता है उस सेंटर में थोड़ी जो है वो इधर से उधर हो जाए, लेकिन सिटी जो है वो लगभग वही रहने की संभावना है। एनटीए भी इसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगा, क्योंकि छेड़छाड़ करने के लिए, चेंज करने के लिए उसे बहुत समय की जरूरत होगी, जो हो सकता है कि जो पहले अलॉट था उसको पूरा चेंज करना पड़े, फिर इधर से इधर जो है वो करना पड़े, सेंटर एक से दूसरा करना पड़े। इसमें बहुत समय और बहुत जो है वो बहुत सारा समय जो है वो व्यतीत हो जाएगा। तो एनटीए बिल्कुल भी गलती नहीं करना चाहेगा, एग्जाम सेंटर आपका लगभग वही रहने वाला है, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। जो एग्जाम सेंटर पहले था वही आपका रहने वाला है, जो सिटी थी एग्जाम की वही रहने वाली है। एग्जाम सेंटर विद इन द सिटी हो सकता है वो एनटीए चेंज कर दे, बाकी सब कुछ जो है वो सेम रहने वाला है। इसी के साथ में बच्चों मैं बता दूं कि आपको जो है 50% ऑफ मिल रहा है राइट नाउ। अगर आप दिसंबर 2024 सेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको यूज करना है IFS कोड 50, और ये 24 जून से जो बैच है शुरू हो चुका है, जल्दी से इसमें जाके इनरोल कीजिए। और अगर आप सीएसआर नेट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी 1 मंथ उसमें बाकी है, आपको प्रिपरेशन की पूरी जरूरत होगी, आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत होगी, तो राइट नाउ 999 रुपीज में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। बच्चों आपको यूज करना है IFS 30 कोड। अगर आप दिसंबर 2024 सेशन में एडमिट करते होते हैं, ठीक है, और आप जो है वो दूसरा रेफरेंस कोड यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप भरत 55 ये जो कोड है इसको अगर आप यूज करते हैं बच्चों, तो आपको और अधिक डिस्काउंट मिल सकता है। राइट नाउ अगर आप इस कोड को यूज करते हैं बच्चों, जो 24 जून से बैच शुरू हुआ है उसमें आप एडमिशन लेते हैं, तो आपको भरत 55 कोड यूज करके 55% एक्स्ट्रा जो है आपको डिस्काउंट मिल सकता है। बच्चों इसी के साथ में अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है बच्चों, तो शेयर कर दीजिए जितने भी लोगों के साथ में है, जितने भी बच्चों के साथ में जो सीएसआर नेट जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के साथ में ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड हैप्पी लर्निंग।